नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गूगल भेजर में स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सिविल के लिए, जिसका नाम है सर्वेइंग, जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एसएससी जेई में भी इससे मात्र 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए बताते हैं सबसे पहले हम सर्वेइंग कि सर्वेइंग होता क्या है। सर्वेइंग कहता है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान। सबसे पहले आप समझिए कि सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग एक आर्ट है, यानी कि सर्वेइंग एक क्या है, कला है, जिसमें डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट दर्शाया गया है उसको क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड प्रिपेयर अ मैप और प्लान, उसका क्या तैयार करते हैं, मैप और प्लान तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सर्वेइंग बोलेंगे। सीधा सीधे बात याद रखना है कि सर्वेइंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और डिटरमाइनिंग करने के बाद उसका मैप और प्लान तैयार करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वेइंग कहेंगे। उसके बाद है इसमें, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है कि सर्वेइंग नेसेसरली डील्स विथ measurement of distance in horizontal plane. Surveying necessarily deals with measurement of distance in horizontal plane. यानी सर्वेइंग का जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, किसको मेजर करता है, होरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करता है, प्लेन पर के अर्थ के सरफेस पे जो भी होरिजेंटल डिस्टेंस है उसको मेजर करता है, मापता है। वही लिखा गया है कि सर्वेइंग नेसेसरली डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन होरिजेंटल प्लेन। होरिजेंटल प्लेन में जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या है, सर्वेइंग के द्वारा मेजर करते हैं, मापते हैं। उसके बाद है मैप और प्लान इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड फीचर
ground features on plain sheet of paper on suitable scale। इसको पहले समझ लीजिए कि मैप और प्लान इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड फीचर। ग्राउंड फीचर कहने का मतलब हो गया कि अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट है तो उसको क्या करेंगे, मैप और प्लान पे क्या है उसका रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ऑन प्लेन शीट ऑफ ए पेपर ऑन सुटेबल स्केल, एक सुविधा के अनुसार एक सुटेबल स्केल ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, मैप और प्लान को रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर दर्शा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है इफ द स्केल इज अ स्मॉल द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैप। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इफ द स्केल इज लार्ज द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्लान। इसको समझिए पहले, अगर मेरा स्केल क्या है, छोटा है, इफ द स्केल इज स्मॉल, अगर मेरा स्केल क्या है, छोटा है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो दर्शाएंगे, वह मेरा किस पे दर्शाएंगे, मैप पर, वह क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा। उसी तरह अगर मेरा स्केल क्या हो, लार्ज हो, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा वह प्लान कहलाएगा। जैसे प्लान कहने का सेंस हुआ कि प्लान ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, स्केल मेरा क्या है, लार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे। जैसे हम प्लान किसी भी बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, उसी तरह से इसमें हम बोले कि अगर मेरा स्केल छोटा रहेगा तो वह मेरा मैप कहलाएगा, अगर मेरा स्केल बड़ा है तो वह क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। फिर एक इसमें एक और पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट और है, जो मैप का जो प्रिपेयर किया जाता है, मैप इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्मॉलर एरिया वेर एज प्लान इज फॉर लार्जर एरिया। क्या बताएं हम कि मैप जो तैयार किया जाता है स्मॉलर एरिया के लिए तैयार किया जाता है, जबकि प्लान जो तैयार किया जाता है लार्जर एरिया के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद है एक जो पॉइंट हम बताएं कि आप समझ रहे हैं, स्केल बोल रहे हैं, स्केल तो स्केल क्या होता है, इसको पहले समझिए। स्केल क्या है, कहता है द स्केल ऑफ अ मैप द
द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल समझिए, स्केल हम क्या बताएं, स्केल जो होता है मैप का एक रेशियो है, यानी द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस, यानी ग्राउंड मैप का जो डिस्टेंस है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड डिस्टेंस के। यानी हम कह सकते हैं कि स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। यानी कि आप इतना याद रखिए डायरेक्ट कि स्केल इज इक्वल टू मैप पर का डिस्टेंस और ग्राउंड पर के डिस्टेंस के, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल देते हैं स्केल का। कहता है, एग्जाम्पल है इसका कि इफ 10 मीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, देन A scale of map is 1 cm is equal to 1 centimeter is equal to 10 meter। इसका मीनिंग समझ, हम क्या लिखे यहां कि इफ 10 meter ऑन ग्राउंड, यानी 10 meter जो है ग्राउंड पर का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 centimeter ऑन मैप, यानी मैप पर के 1 centimeter ग्राउंड के पर के 10 मीटर के बराबर है, देन स्केल ऑफ मैप इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि 1 सेंटीमीटर किसका है, मैप का, ये हो गया मेरा मैप डिस्टेंस, और 10 मीटर किसका है, ग्राउंड पर के डिस्टेंस, ये दोनों का रेशियो जो है ये क्या हो गया मेरा, स्केल हो गया। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको इसके आगे बताएंगे।